हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू द ब्यूटीफुल माइंड क्लासेस। तो आज की क्लास में देखेंगे क्लास सेवंथ का चैप्टर 12, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो क्या चैप्टर 12 का हेडिंग क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके थे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है वो आप लोग पिछली क्लास वाले वीडियो से समझ सकते हैं। तो आइए, इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। क्या? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लाइक टर्म्स। तो फर्स्ट में देखते हैं कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग लाइक टर्म्स का, किसका? लाइक टर्म्स का। इसका डिफिनेशन हो जाएगा द सम ऑफ टू और द सम ऑफ टू और मोर लाइक टर्म मोर लाइक टर्म्स इज अ लाइक टर्म्स विथ अ न्यूमेरिकल कोफिशियंट विथ अ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इक्वल टू द सम ऑफ the sum of numerical coefficient of all the like terms क्या कह रहा है इसका डिफिनेशन? द सम ऑफ द टू और मोर लाइक टर्म्स इज अ लाइक टर्म्स, यानी कि टू या टू से ज्यादा लाइक टर्म्स को अगर ऐड करते हैं तो वो हमेशा लाइक टर्म्स होगा। क्या होगा? लाइक टर्म्स होगा। विद अ न्यूमेरिकल कोफिशियंट इक्वल टू द सम ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशियंट ऑफ ऑल द लाइक टर्म्स। यहाँ पे क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल कोफिशियंट इक्वल टू the sum of the numerical coefficient of all the like terms। तो यहाँ पे ये समझना होगा कि numerical coefficient क्या होता है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे 3xy, क्या है? 3xy है, तो इसमें numerical coefficient कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 numerical coefficient हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? 3xy प्लस 5xy, क्या है? 3xy प्लस 5xy। तो यहाँ क्या है? xy xy दोनों में सेम है, तो क्या करेंगे? xy को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा? 3 प्लस 5, क्या बचा? 3 प्लस 5। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 8xy। क्या आ गया? 8xy। तो इसका xy का कोफिशियंट इसमें क्या आ गया? 8 आ गया। क्या आ गया? 8 आ गया। तो यही ये डिफिनेशन के माध्यम से समझाना चाह रहा था कि अगर दो इक्वल टर्म, सॉरी लाइक टर्म हो, क्या हो? दो लाइक टर्म हो जिसको कोफिशियंट को ऐड करके एक्स वाई को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8xy हो जाएगा। यही पे इसका दूसरा देख लीजिए जो होगा सब्ट्रैक्शन के लिए। द डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन टू लाइक टर्म्स इज अ लाइक टर्म. With a numerical coefficient equal to the difference between the numerical coefficient of the two like terms. इससे पहले किसका था? एडिशन का था. यहाँ क्या है? सब्ट्रैक्शन का है. द डिफरेंस बिटवीन टू लाइक टर्म्स इज अ लाइक टर्म्स, यानी कि दो लाइक टर्म्स को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लाइक टर्म्स के फॉर्म में ही आएगा. विद अ न्यूमेरिकल कोफिशियंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल कोफिशियंट ऑफ द टू लाइक टर्म्स. यहाँ पे क्या कह रहा है? सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमेरिकल कोफिशियंट को ऑफ द टू लाइक टर्म्स. तो आइए एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल के माध्यम से इसका डिफिनेशन भी समझ में आ जाएगा इजली. तो यहाँ पे 3xy माइनस 5xy क्या है? 5xy दोनों क्या है? लाइक टर्म्स है, क्योंकि दोनों क्या है? लाइक टर्म्स है. इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 5 और एक्स वाई दोनों में इक्वल है. क्या है? इक्वल है, तो इसको कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा? माइनस 2xy. क्या हो जाएगा? माइनस 2xy. तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशियंट क्या था? फर्स्ट का था 3 और सेकेंड का था 5. सब्ट्रैक्ट करने पे जो न्यूमेरिकल कोफिशियंट आया है वो आया है माइनस 2. क्या आया है? माइनस 2. तो यही मुझे डिफिनेशन के माध्यम से समझाना चाह रहा था. तो ये था दो लाइक टर्म्स का सब्ट्रैक्शन. आइए थर्ड देखते हैं. इसका थर्ड पॉइंट, इसका पॉइंट थर्ड में क्या दे रखा है? अनलाइक टर्म्स, अनलाइक terms cannot be added or subtracted the way like terms are added or subtract. क्या कह रहा है इसका थर्ड पॉइंट? अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड द वे लाइक टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड. यानी कि अनलाइक टर्म जो है कभी एडेड नहीं हो सकता है या सब्ट्रैक्टेड
नहीं हो सकता है, लेकिन लाइक टर्म्स जो है एडेड और सब्ट्रैक्टेड हो सकता है। तो लाइक टर्म्स कैसे एडेड और सब्ट्रैक्टेड हो सकता है, ये तो इसके पॉइंट फर्स्ट और सेकेंड में देख लिए हैं। अब इसका देखते हैं कि अनलाइक टर्म्स ये एडेड और सब्ट्रैक्टेड कैसे नहीं हो सकता है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट ले लीजिए, क्या है यहाँ पे दो टर्म्स दिया है, क्या है दो टर्म्स दिया है, उसका फर्स्ट है 5x एंड दूसरा है 3y, क्या है 3y। तो ये क्या है, दोनों अलग अलग है, क्या है दोनों अलग अलग है, एक का जो है x है और दूसरे का y वेरिएबल है, क्या है एक का x वेरिएबल है और दूसरे का y वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट में एडिशन करके देखते हैं क्या है 5x प्लस 3y, तो ये कभी ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 8xy कभी नहीं लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और यहीं पे अगर सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं 5x माइनस 3y, तो ये कभी 2xy के फॉर्म में नहीं होगा, क्या होगा कभी 2xy के फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि दोनों का वेरिएबल अलग अलग है। लाइक टर्म्स में क्या होता है कि दोनों का वेरिएबल सेम होता है, तो जब वेरिएबल सेम होता है तो दोनों ऐड हो सकता है, लेकिन जब वेरिएबल ही अलग अलग हो तो ये कभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, तब तक इसको रिविजन कीजिएगा और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए बस इतना ही, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से अधिक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल द ब्यूटीफुल माइंड को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन को भी जरूर दबाएं। ओके बाय।